मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो ये परीक्षा पेपर लीक मामले सामने आ रहे थे, इसके अंतर्गत दो प्रोफेसर को बरी कर दिया गया है। कौन कौन है ये प्रोफेसर, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। ECPNDT मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए दो असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव शर्मा और महेश चंद्र गुप्ता थे। परीक्षा नियंत्रक के पीए सुरेंद्र मोहन शर्मा, गोपनीय शाखा के अनुभाग अधिकारी नंदलाल सैनी और डिप्टी रजिस्ट्रार महेश चंद्र गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने आरोपी बनाए गए विश्वविद्यालय कर्मियों को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के दोषमुक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि इन्होंने पेपर लीक किया हो। अदालत ने कहा कि इन्हें आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप से पूर्व में डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं इनके खिलाफ न तो विश्वविद्यालय और न ही किसी परीक्षार्थी ने मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा किसी स्वतंत्र गवाह ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया।